दिल्ली में चलती बस में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप की पीड़ित छात्रा ने अपने जिंदा रहते हुए चार आरोपियों के नाम लिखकर बता दिए थे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते वक्त भी पीड़ित लड़की को 6 में से 4 आरोपियों के नाम याद थे। पीड़ित लड़की ने आरोपी राम सिंह, मुकेश, विनय और अक्षय का नाम लिखकर बताया था। अखबार के मुताबिक पीड़ित लड़की ने वारदात के वक्त इन चारों नामों को सुना था। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जब पीड़ित लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जा रहा था तब उसने ये लिखकर बताया था। पीड़ित लड़की ने ये भी लिखा था कि रॉड से लोहे, लकड़ी और कुछ लोगों को देखा। सूत्रों के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित लड़की से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जिससे वो सिर्फ इशारे में बता सके। मजिस्ट्रेट ने लड़की से कुछ बहुविकल्पीय सवाल भी पूछे जिससे वो आसानी से जवाब दे सके। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लड़की ने बस का कलर, कहां से वे बस में बैठे, बस में कुल कितने लोग थे, आरोपियों ने कितना किराया लिया, घटना किस वक्त हुई जैसे सवालों का भी जवाब दिया। आपको बता दें कि सफदरजंग अस्पताल के बाद लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां वो जिंदगी से जंग हार गई।